आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जातिगत जनगणना में सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी की संख्या है तो वो है यादवों की। बता दें कि बिहार में बीजेपी के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के दिन जो है बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। बता दें कि अब पूजा को भी जो है बीजेपी कहीं ना कहीं जाति से जोड़ने का काम कर रही है। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा जो है अब बताया जा रहा है कि यदुवंशी का पूजा है, यानी कि जो यादों के देवता हैं उन्हीं का पूजा है। हालांकि भगवान तो सभी के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। देखिए, एक पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में भले ही यादव को लेकर के यह होड़ बनी रही है कि वो RJD के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के बड़े लीडर हैं नित्यानंद राय, जिन्होंने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मिलन समारोह का रखा गया है। लेकिन यह गोवर्धन पूजा महोत्सव के दिन जो है यदुवंशियों का जो है भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह रखा गया, जिसमें तमाम नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है। आप देख सकते हैं, ये तमाम नेता जो हैं वह यादव जाति से आते हैं और उनकी तस्वीर इस पोस्टर बैनर में लगी हुई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ कीजिएगा JP नड्डा हैं ही, और गृहमंत्री अमित शाह भी हैं, नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी हैं, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, नंदकिशोर यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं, नवल यादव हैं, यानी तमाम यादों की जुटान जो है कल देखी जाएगी। और ये बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। गोवर्धन पूजा को लेकर के यादों के तरफ से अब यह ऐलान किया जा रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ यादों की पूजा है और ये यादों के भगवान हैं, कुछ ऐसा ही इंडिकेट जो है किया जा रहा है। बिहार में बीजेपी अब यह दिखाना चाह रही है कि बीजेपी के तरफ ही जो है यादवों का वोट है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव यह शुरू से कहते रहे हैं कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन MY का जो समीकरण है वह RJD के तरफ ही रहेगा, लेकिन उसको काट करते हुए बीजेपी जो है कल एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। अब देखने वाली विषय होगी कि इसके जरिए बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जुटान कल बापू सभागार में देखा जाएगा, और वहीं यादों को लेकर यह ऐलान किया जाएगा बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कि अब यादव जो हैं वह बीजेपी के तरफ हैं। और एक तरफ तेजस्वी यादव जो हैं, आप कई बार सुन चुके होंगे, लालू प्रसाद यादव भी खुले मन से यह कहते नजर आते हैं कि यादव जो हैं वह RJD के तरफ है, लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने गवई अंदाज में भी कहते हैं कि कुछो कर ले लेकिन यादव जतो उ, यानी कई तरह की भाषा का आप सुने होंगे कि लालू प्रसाद यादव खुले मन से जब बोलते थे तब वो कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन नित्यानंद राय क्या यादवों के नेता हो पाएंगे या नहीं, ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं एक बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय की। कल जिस तरह से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, उससे पहले जो तस्वीर बड़े बड़े होर्डिंग पटना में लगाए गए हैं, इससे यह देखिए चारों तरफ जहां जहां आपकी नज़र जा रही होगी वहां वहां आपको सिर्फ और सिर्फ ये होर्डिंग ही नज़र आ रहा होगा। और इसके माध्यम से ऐलान किया जा रहा है, बिहार में आगाज़ किया जा रहा है कि 2024 और 25 में जो चुनाव होना है यादव जो हैं बीजेपी के तरफ हैं, यानी फुल कॉन्फिडेंस में बीजेपी दिख रही है, नित्यानंद राय दिख रहे हैं कि बीजेपी के तरफ ही जो है यादव का वोट है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।